अरे महादेव दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं काजल और आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी सुबह सुबह का 7:30 हो रहा है और आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी हम सुबह सुबह फ्रेश वगैरह हो गए, आधा काम भी कर लिए, तो सोचे कि ब्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि 7:30 हो रहा है और अभी दबा के कोहरा है, फ़ोन में उतना नहीं आ रहा है। लेकिन पास पास के सामान जो की है चीज़ें, खेत हो, ये सब दिख रहा है मुझे आंखों से, लेकिन एकदम धुंधला सा दिख रहा है। बहुत कोहरा है, पता नहीं क्यों इतना। रात में ना 8 बजते बजते एकदम गिर जा रहा है, बहुत ज़्यादा कुहासा। तो चलिए, आप सब बने रहिए, ऐसा बने रहेंगे, प्यारा सा लाइक भी करेंगे, उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस प्यारा सा ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और अभी मैं झाड़ू लगा ली हूँ, थोड़ा सा बर्तन है तो उधर मैं धोऊंगी। और इधर देख सकते हैं, मैं गैस चूल्हा को पहुँच गई। अब चलते हैं इसमें केमिकल डाल के वो क्लीनर, उसके बाद घर को पोछूंगी, उससे मतलब चूहा वगैरह नहीं आते कुछ भी। तो चलिए फटाफट पोछा कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड, हमने अंदर का सारा काम कर लिया है देख सकते, और बर्तन भी धो लिया। अब चल रहे हैं थोड़ा सा ब्रश व्रश करके फ्रेश हो जाते हैं, रेडी वेडी हो जाते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से ब्रश करके आती हूँ, पानी भर के भी मैंने रख दिया है। तो फ्रेंड, मैं नहा बोल रही हूँ, मतलब रेडी हो गई हूँ, हाथ में ब्रश वगैरह सारा कुछ करके। और अभी देख सकते हैं मैं खाना में क्या बना रही हूँ, दिखाती हूँ। इधर हमने चावल बैठा है बट गैस नहीं जलाया, अभी चलते हैं गैस जला देना। और इधर दाल बैठाएंगे और पालक और आलू का भुजिया बनाएंगे टेस्टी वाला। और अभी मानसी के पापा जी सोए हुए हैं दोनों लोग, तो चाय तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि चीनी नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो कितना दिन से मन कर रहा है चाय पीने के लिए, बट चीनी था, 2 दिन से ख़त्म हुआ। ठंडी के मौसम में आप लोग समझ ही सकते हैं चाय का क्या रोल होता है। कोई बात नहीं, चलिए फटाफट दाल चावल बैठा देते हैं, क्योंकि पालक काटने में हमको टाइम लगेगा क्योंकि उसको खेत से तोड़ के आया है ना, तो थोड़ा सा देख के उसको सरिया के काटना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से मैं गैस धरा लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड, देख सकते हैं मैंने दाल बैठा दिया है, पता ना मेरा गला क्या हो गया। और इसमें नमक, तेल, हल्दी डाल दिया है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मानसी को ऐसे सिंपल दाल पसंद है और खाते खाते हम लोग को भी आदत हो गया। मतलब हाँ खाते हैं, लेकिन सिंपल ज़्यादातर बनता है मानसिक लिए, क्योंकि वो कैसे भी हमको है कि वो खा ले, इसलिए ऐसे ही बनाते हैं। तो चलिए उसको अब ढक्कन लगा देते हैं, ढक देते हैं कुकर का ढक्कन लगा के। तो अभी हमने खाना बैठा दिया है, बन रहा है। और एक दिन क्या होता ना, मैं घर पोछा लगा रही थी तो ये वाला एरिया में थोड़ा ज़्यादा चिपचिपाहट रहता है, तो मैं ऐसे डाल के पोंछ रही थी और उस दिन घर भी पूरा चिपचिपाहट हो रहा है। तो जो मैंने क्लीनर लाया है घर पोंछने के लिए, तो मैं उसको मतलब कहीं कहीं गिरा के पोंछ रही थी। तो आप लोगों को बहुत सारा कमेंट आया था कि ऐसे नहीं पोंछते, को पता था बाल्टी में डाल के पोंछते, लेकिन उस दिन घर बहुत ज़्यादा चिपचिपा था। तो ज़्यादा चिपचिपा रहता है तो मैं क्या करती, थोड़ा गिरा लेती हूँ क्योंकि वहाँ ज़्यादा वो हो जाता है ना, तो उसे चिपचिपा हट जाता है। और ऐसे भी पोंछती हूँ तो चिपचिपा हट जाता है, डेली पोंछते तो कोई चिपचिपा नहीं रहता। बट 2-4 दिन हो गया था शायद, किसी वजह से हमने नहीं पोंछा था, शायद घर पर नहीं थे कि क्या था, तो घर बहुत ही गंदा हो गया था, इसलिए हम उसे गिरा पोंछ रहे थे। हमको पता है उसके लिए दूसरा कुछ आता है, बट ऐसे ही हम पोंछते, बाल्टी में डाल के ही पोंछते हैं। दूसरे दिन थोड़ा गिरा के पोंछ रहे थे, हमको लगा चिपचिपा हट जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, दो हीटर इसलिए जलाए ना क्योंकि घर सूख जाए जल्दी से, नहीं तो मानसी उतरेगी तो फिर नीचे उतरेगी फिर ठंडा वगैरह का समझ ही सकते हैं। तो इसलिए हमने दो हीटर जला रखा है, नीचे का फर्श सूख गया जल्दी से। और इधर आप पालक, पता ना इसमें क्या क्या है, चलिए देखते हैं। और आलू पालक बनाएंगे, आलू इसमें से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं ऐसे सरिया सरिया के ना मैं पालक इसमें से निकाल काटे जा रही हूँ, फिर छोटा छोटा बारीक काट लेती हूँ। और अभी दाल देखते हैं कितना टाइम लगाता है। और तो फ्रेंड, इधर हमने सब्जी काट लिया देख सकते हैं। और चलिए कढ़ाई भी गर्म हो गया है हमारा, इसमें सरसों तेल डालते हैं और फिर तड़का देखते हैं क्या चीज़ से लगाएंगे। सारा चीज़ डालते हैं तेल गर्म होने के बाद, और देखते हैं मानसिक पापा, मानसिक कब उठते हैं, हरा सब्जी है तो उसमें हम तेल कम ही डालते हैं, तो देखते हैं कब तक उठते हैं। बाकी खाना तो बन चुका है, दाल को थोड़ा सा और गर्म, क्या है ना ठंडी के मौसम में दाल जम जाता है जल्दी जल्दी, तो उसको बार बार गर्म करके खाना ही पड़ता है। और हमको ना थोड़ा सा पानी वाला दाल पसंद है, और मानसिक को, मानसिक पापा को पूरा गाढ़ा वाला दाल एकदम। तो
थोड़ा सा यहाँ ये हो जाता है, तो इसलिए हम पानी वाला ऊपर ऊपर से लेके खा लेते हैं। और यहाँ देखिए हमने तड़का में डाल दिया है, क्या है, प्याज है, हरा मिर्चा है, लाल मिर्चा है, और इसमें लहसुन भी डाल दिया, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको पका लेते हैं। और इसको ना अच्छे से हमको पालक धो के काटना चाहिए था, तो ऐसे ही काट दिया है, तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए इसको अच्छे तरीके से धो लेते हैं और पानी ले लेंगे उसमें से, फिर छानते हैं, मतलब कि इस पानी में से निकालेंगे अच्छे से धो के। तो चलिए तो अभी छान के धो लिए हैं, धो के छान लिए हैं, बाकी और भी है इसमें, तो फिर ये हमको लग रहा है कि इसको चलाते रहना चाहिए, नहीं तो जलने लगेगा, जलने ही लगा। चलिए डाल देते हैं। तो देख सकते हैं सारी सब्जी हमने डाल दिया इसमें ना, पालकी में से इतना ज़्यादा मतलब पानी निकलता है कि सारा आलू गल जाएगा उसी में, तो कोई बात नहीं। और चलिए इसको अब साफ कर लेती हूँ मैं सारे को। सो फ्रेंड, इसमें हमने नमक हल्दी ऐड कर दिया है, बस और कुछ नहीं जाएगा। चलिए अच्छे से चला लेती हूँ, फिर इसको ढक के पकाऊंगी। तो अभी देख सकते हैं क्या है ना, बहुत ज़्यादा पानी निकल गया पालकी से, और हम दाल भी बैठा दिए फिर से, क्योंकि हमसे पानी ज़्यादा डल गया था। मानसी के पापा उठ गए, हम पैर सेक रहे इधर में, मानसी सोए हुए थे। चलिए अच्छे से उसको कंबल उठा देते हैं। तो दाल तो बंद कर दिए गैस, और इधर देख सकते हैं हम सब्जी भी थोड़ा सा झूर कर लेते हैं। इसको क्या झूर करेंगे, हरी सब्जियाँ हैं, तो देखते हैं आलू ना टूटे। बस हमारा ये वाला सब्जी भी बन ही आया है थोड़ा सा, और इसको वो कर लेते हैं, इसका पानी सिझा लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी हम खाना खा रहे हैं, और बस नीचे में बैठ के मानसी भी खा रही है। फ्रेंड इस टाइम मैं बाहर निकलने जा रही हूँ, क्योंकि अंदर में काम कर रहे थे, चल रही हूँ, रबड़ ये ले ली हूँ। मानसी बेटा को बाल बना दूंगी, मानसी बेटा का कपड़े तो आज लग रहे सूख जाएंगे, तो अंदर रख दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा धूप आ रखा है। तो खटिया यहाँ मानसी के पापा से भिजवाती हूँ, और मानसी का बाल वाल बना देती हूँ, और उसके बाद आपसे से बहुत सारे बातें करना। आज बहुत खून से दोस्तों, क्योंकि धूप निकला है, और मानसी का इधर खिलौना है, तो चलिए फटाफट खटिया बिछा देती हूँ इधर में मैं। तो फ्रेंड अभी देख सकते हैं मैं क्या खा रही हूँ, ये है दूध, और ये है लाई, और इधर भी लाई रखी हुई हूँ, सूखा जिसको मर्जी वो खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, मानसी खेल रही है खिलौना से अपने। क्या कर रही हो बेटा, गला मेरा खराब हो गया दोस्तों। ठीक है आ जाना जल्दी, मानसी पापा गए हैं मार्केट कुछ काम से, देखते हैं कब तक आते हैं। थोड़ा बाप रे, तो फ्रेंड इधर ना दो दो सियार था, उधर जा रहा होगा, आंख दिख रहा है, सियार है मीन्स लोमड़िया दो दो। तो मानसी लाइट भी गया, अभी जलेगा हमारा घर पे लाइट, जल गया, बाकी लाइट कटा हुआ है, क्योंकि वो आता है ना तो हीटर चालू रहता है, तो अप डाउन मार देता है, फिर चालू करते हैं हीटर बंद करके, तो हो जाता है। फ्रेंड रात का भी 10:30 हो रहा है, और इस टाइम ना मानसी को पता नहीं एक पैक से बुखार आ गया, बहुत तेज वाला, बहुत तेज वाला। तो पट्टी दिए हैं हम, और सामने हल्का सा हमको लगा के है, तो दवा दिए थे उस टाइम है ना छोटा सा। वो इसको बुखार क्यों आया है, क्योंकि आज आप लोग देखे थे धूप था, तो मैं धूप में एक गर्म कपड़ा पहनाई थी, बाकी सब खोल देते, थोड़ा सा मिजाज हल्का होगा, क्योंकि मुझे भी खुद पसीना हो रहा था, इसलिए मैं मानसी का भी खोल देती और एक गर्म कपड़ा पहना के रखी थी, और दिन में ये संतरा भी खा ली थी, इसी केरा तो तुम्हारा गलती मानूंगा। संतरा के लिए कौन रुसा था, संतरा लाइएगा, संतरा लाइएगा, जब घर में सामान रहेगा तो खाएंगे नहीं बच्चे, संतरा खाएंगे, संतरा से ठीक हो जाती है। और देख सकते हैं आंख से पानी आ रहा है, फिर भी ये हंसाने की कोशिश कर रही है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, कितना अच्छा ले लिया है। नहीं रुलाइए मानसी बेटा, अपना मेहंदी दिखा दो दोस्तों को, तो सूट है धीरे धीरे, कोई बात नहीं मैं दूसरा लगा दूं। आपने तो पापा का नाम नहीं लिखवाया, तो मैं क्या करूं, मम्मी का लिखाऊंगी, मम्मी का लिखाओगी, मैं आपको और मम्मी का कहां लिखवाई हो, दिखा, नहीं आपने लिखा है, उंगली मत डालो, अरे वो खाली ऐसे खेल रही है, आपको पता नहीं है वैसे करती है, ऐसे ही करती हूँ, देखो मैं हाथ नहीं खा रही हूँ, जा मैं खाऊंगा, ये हाथ नहीं खाती है मेरी लल्ला। आ, 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 आ,
रही है, कोई सड़क पकड़ के जाएगा तो डर जाएगा। मैं बेबी हूँ तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। पापा जी का नाक कितना बड़ा है ना? आपका भी बड़ा थोड़ा सा। मेरी लल्ला गाना भी गाती है। नहीं, मैं उन्हें गा पाऊंगी। अभी तबीयत ठीक नहीं है, है ना? एक बेटी है और एक और आपके पेट में। एक बेटी आप हो और मेरे पेट में भी है। हाँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, आपको सब पता है। हाँ। पता है? पापा को तो पता ही नहीं है, बताओ मैं क्या करूं? आप अपना नहीं दो। अपना नहीं दो। मैं अपना बेबी नहीं दूं? नहीं। ठीक है, तो मैं जाऊंगा दूसरा बेबी लेके आऊंगा। खरीद के कौन लाते है? वो नहीं बड़ा है। खरीद के नहीं, मैं भगवान जी से मांग के लाऊंगा। फिर मैं बेबी को अपने ऐसे सुलाऊंगा, बेबी को बहुत सारा चॉकलेट दूंगा। आपको तो नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूं? तो बेबी शेयर करके ही खाएगा। बेबी शेयर करके खाएगा बेटा। आप शेयर करके खाती हो ना? हाँ, तो बेबी भी खाएगा। पता नहीं, मां जी को अच्छे से इसको तकिया लगाइए, थोड़ा उठा तो बेटा अपना सिर, बस हो गया। किसके घर गए थे? कब ठीक हो जाओगी बेटा? पापा मुझे ना इधर से दबा रहे, फिर डट करा मुंह में। कहीं दबा दे, छोड़िए, हिट चुकी 6 महीने की नहीं है कि जैसे पकड़िएगा उसे रहेगी, है ना बेटा? मम्मा मैं कितनी साल की हो गई? आप 4 साल की हो गई हो। और आप? मैं कितना दिन का होगा जी? 2002 में का जाना हुआ। बताओ। 22 साल की हो गई मैं। और पापा? पापा 24 साल के हो गए। 25 साल होता है खाली 24 19 98। अरे मम्मा भी पापा कोई होता है? खाली बच्चे ही होते हैं। पापा कोई नहीं होता है, खाली बच्चे होते हैं। हाँ, और मम्मा। और मम्मा? हाँ। ठीक है। आ, बहुत चुभ रहा है। अरे अपन मत चुभाए। कोई बात नहीं, आप स्ट्रॉन्ग बनना। मैं ख्वाम कुछ भी ख्वाम नहीं है, है ना बेटा? इसका ख्वाम ना उधर उधर भगा दी। भगा दो उधर, ख्वाम मेरा भगा दे। जितने स्ट्रॉन्ग पापा है सबको भगा दे रही है। तो फ्रेंड अभी ये सुबह का टाइमर है और नेक्स्ट डे है, 11 बज रहा है और 10 बजे एकदम धूप आ गया था। हम खाना वाना बना के मानसिक पापा चले गए हैं उस वाले गाड़ी सीखने। हाँ, गोपालगंज में गाड़ी भी सीखेंगे और वहीं देखते रहेंगे कि आएंगे, हमको उतना पता नहीं है। मैं पता है, पता है, आप तो सोई हुई थी तो मैंने कर रहे हैं, खाना खिला दिए हैं, दाल चावल खाइए और क्या खाइए? और अंडा एक चावल। हाँ, तो यही सब खाइए मानसी बेटा, और इसको रेडी करा के हम रेडी हो जाएंगे। और अभी मंदिर बज रहा है वहाँ पर, हम ये पार्सल आया हुआ है, 2 पार्सल था और इसमें पता नहीं क्या है, हमको भी नहीं उतना पता है, कुछ भी हमको पता नहीं इसके बारे में कि क्या, क्योंकि ये मेरा कहे तो हम मंगाए ही नहीं है। तो ये देखो मम्मा, कंपनी की तरफ से आया है सर, ये झीली झीली। तो इसको हमको उतार के उखाड़ के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है। हाँ। बाकी वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी पूछना पड़ेगा उनसे कि कैसे वीडियो बनाना है, उसके बाद ही निकालेंगे। तो चलिए, आपका आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर, बाय।